बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड से। इस वक्त हम आपके साथ मुखातिब हैं अपने न्यूज़ बुलेटिन के प्रोग्राम में, और आज हम बात करेंगे, चूँकि आज आखिरी सेशन रवा हफ्ते का, ओवरऑल कैसा मार्केट ने परफॉर्मेंस किया है इस आउटगोइंग वीक में, जिसका कि आज आखिरी सेशन इस वक्त इन प्रोग्रेस है। यूँ तो पोस्ट सेशन, पोस्ट बजट ये पहला हफ्ता रहा बजट के बाद का, लेकिन जो उम्मीदें और जो बजट की प्रेजेंटेशन थी, प्रपोजल थे, इकदाम थे, वो काफ़ी हौसला अफजा थे ओवरऑल इन एग्रीगेट टर्म्स। बट मार्केट ने बहुत वोलाटाइल बिहेव किया इस पूरे आउटगोइंग वीक में। एक्सपेक्ट जो मंडे को मार्केट की परफॉर्मेंस थी वो 421 पॉइंट्स का इजाफा था, और इस इजाफे के साथ इंडेक्स 48,726 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ। ट्यूसडे को इंडेक्स में 93 पॉइंट्स की कमी और 48,632 पॉइंट्स की क्लोजिंग रही। वेंसडे को इंडेक्स में एक बार फिर से 152 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई, 48,481 की क्लोजिंग रही। थर्सडे को इंडेक्स में इस हफ्ते की सबसे बड़ी गिरावट 323 पॉइंट्स की, और इस कमी के बाद इंडेक्स आनकर 48,157 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आज आखिरी सेशन और आज का इब्तदाई हाफ आज की ट्रेड का, उसमें इंडेक्स ने एक बार फिर से रिवाइवल हमने देखा, 205 पॉइंट्स का इजाफा रहा, और इस इजाफे के बाद इस वक्त इंडेक्स मौजूद है अपने इब्तदाई हाफ में 48,363 पॉइंट्स की सतह पर। ओवरऑल मार्केट में इस हफ्ते में हमने रेंजबाउंड एक्टिविटी देखी, वहीं जहां पर इंडेक्स क्लोज हुआ था पिछले लास्ट फ्राइडे को 48,304 पॉइंट्स की सतह पर, आज की पहले हाफ की 205 पॉइंट्स के इजाफे के बाद बिल्कुल वहीं पर खड़ा है। तो जो चीज़ें जो इस वक्त सरमायाकारों को दूर रख रही हैं सरमायाकारी करने से, या हम एक रेंजबाउंड बिहेवियर देख रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर म्यूचुअल फंड्स और दूसरे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, जिस तरह के ब्रोकर्स हैं, उनका जो ईयर एंड है, जून क्लोजिंग है, और अपनी बुक्स को बेहतर करने में या डिविडेंड पे करने के लिए वो रिडेम्पशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं इस जून में। तो ये वो एक बुनियादी वजह है जो कि इस वक्त मार्केट में फेस कर रहे हैं सरमायाकार। हम तो करते हैं कि जुलाई से ऑनवर्ड्स मार्केट में फिर एक बार फिर से बेहतरी देखने को मिलेगी। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।